दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के नौवे दिन माँ दुर्गा के नौवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली माता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले पूजा करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, साथ ही यश बल और धन की भी प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं गाइस माँ सिद्धिदात्री के बारे में कुछ विशेष बातें। तो गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री के पास कौन कौन सी 8 सिद्धियां हैं। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व, यह 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां माँ की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को माँ से ही सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। हनुमान चालीसा में इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं भगवान शिव ने कैसे की 8 सिद्धियों की प्राप्ति और उनका नाम कैसे पड़ा अर्धनारीश्वर। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कठिन तपस्या कर इनसे 8 सिद्धियों की प्राप्ति की थी। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से महादेव जी का जो है आधा शरीर जो है वह देवी का हो गया था, तभी से वे अर्धनारीश्वर कहलाए गए। नवरात्रि के नौवे दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। नवे दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्रि का समापन करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों, विधि से पूरी इस विधि को अपनाने से आपका जो है नवरात्रि के व्रत को समापन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार आपका जो है विशेष फल की जो आपको प्राप्ति मानी जाती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं माता का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी की तरह माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं और इनके 4 हाथ हैं जिनमें वह शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण करती हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है, जो श्वेत वस्त्रालंकार किसे युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं यदि आप अपना भाग्य उदय करना चाहते हैं तो क्यों आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना अति आवश्यक माना गया है। इस दिन मौसमी फल, हलवा, पूरी, चना, खीर और नारियल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही नवरात्र के अंतिम दिन उनके वाहन, हथियार, योगनियों और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भाग्य का उदय भी होता है। बैंगनी और जामुनी रंग इस दिन पहनना अति शुभ माना गया है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों, अब जानते हैं आपको किस तरह करनी है कन्या पूजा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कुवारी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को हलवा, पूड़ी, चने और सब्जी का भोग लगाएं। भोजन कराने के बाद उन पर लाल चुनरी उड़ाएं और फिर रोली तिलक लगाकर कलावा बांधें। फिर सामर्थ्य अनुसार कोई उन्हें भेंट दें। इसके पश्चात आपको उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर उन्हें विदा कर देना चाहिए। जो भक्त कन्या पूजन कर नवरात्र के व्रत का समापन करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। तो दोस्तों, इसके अनुसार आपको माँ सिद्धिदात्री का एक ध्यान मंत्र स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसे आप नोट कर लें या फिर याद कर लें, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय माँ सिद्धिदात्री लिखना ना भूलें। उम्मीद है नवरात्रों में आप पर माँ की कृपा अवश्य बनी रहेगी। और गाइस, वीडियो थोड़ा सा भी जानकारी भरा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आपको जानकारी भरी वीडियोस हम प्रोवाइड करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।